बिहार की तस्वीर है ये। स्टेशन खचाखच भरे हैं। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बाहर से देख आधे लोगों की हिम्मत टूट रही है। ट्रेन के अंदर जो चढ़ गए उन्हें ट्रेन के बाहर खड़े लोग खुशकिस्मत मान रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ट्रेन के अंदर लोगों का क्या हाल है उन्हीं से पूछ। ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं, लेकिन इस महापर्व पर घर जाना है तो ये भी करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी जाना। सांस ले पा रहे थे कैसे कैसे विंडो के पास बैठ के, इतना सा भी जगह नहीं था, बस सामान के ऊपर हम लोग कैसे कैसे बैठ के आए हैं। किस आए हैं, इतनी मरामरी हुआ है, किसी को सामान छूट गया, किसी को कुछ हो गया, कुछ चढ़ नहीं पाया, बहुत तरह की बात हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ था, वो स्लीपर क्या, वो एसी भी बहुत ज्यादा भीड़ में था। जो रिजर्वेशन वाली बोगियां हैं उसमें भी रिजर्व सीट वालों का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ट्रेन ठसाठस भरी है, सीट किसी की भी हो कोई भी आकर बैठ जा रहा है। ट्रेन के अंदर जो बैठ गए और शौचालय जाना हो तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है, और दो चार दस मिनट का इंतजार नहीं, घंटों का इंतजार। मरामरी हुआ है, किसी को सामान छूट गया, किसी को कुछ हो गया, कुछ चढ़ नहीं पाया, बहुत तरह की बात हुआ है। जनरल तीन बोगी है तो वही हिसाब से टिकट कटना चाहिए, और जनरल तीन आदमी 300 मान लीजिए और 300 की जगह पर 10,000 टिकट काट रहे हैं, तो रेल अधिकारी ये नहीं समझ रहे जो जनरल टिकट मैं काट रहा हूँ ये आदमी कहाँ जाएगा। पुलिस वाला आते हैं धकल के चढ़ा देते हैं, अंदर में आदमी मर जाए, कोई बात हो जाए, बहुत तरह की बात होता है, लेकिन जब वहाँ चढ़ा देता है गाड़ी चलता है, रास्ता में क्या स्थिति होते हैं इसके लिए कोई मतलब सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाल सिर्फ ट्रेन का ही ऐसा नहीं है, बसों का भी हाल देखिए। अंदर तो बस फुल है, छतों पर भी लोग सफर करने के लिए मजबूर हैं। आखिर करें तो क्या। अराजकता फैली हुई है, यहाँ जितने भी बस मालिक हैं उनकी अपनी मनमर्जी चलती है। हाजीपुर के लिए कोई सर्विस नहीं है, हाजीपुर जाने के लिए समस्तीपुर, ताजपुर और मुजफ्फरपुर का किराया देना पड़ रहा है। ये हमारे बिहार गवर्नमेंट जो है मजबूरी है जाना, कोई सवारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है भाई, बस ही नहीं जा रही हाजीपुर की। अगर ये जा भी रही है तो ये हाजीपुर से जाने का किराया ले रही है मुजफ्फरपुर का और समस्तीपुर का, ये यहाँ की व्यवस्था है। यात्री घंटों इंतजार कर रहे हैं कि कोई बस मिल जाए, लेकिन बस आते ही फुल हो जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और परिवार को साथ लेकर जा रहे लोगों को हो रही है। घर जाना है, त्योहार मनाना है, तो हर कोशिश लोग कर रहे हैं। ये पहले से ही पता था कि भीड़ छठ के दौरान तो काफी होने वाली है, लेकिन फिर भी इंतजाम काफी नहीं किया।